और चलिए एक बार फिर से आपको छिंदवाड़ा है की खबर ही बताते हैं। लोनी बर्रा जानकी मंदिर के महंत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जब 90 लाख रुपए खाते से पार हो गए। महंत स्वर्गीय कनक बिहारी दास महाराज के खाते से 90 लाख रुपए निकालकर साध्वी फरार हो गई। महंत के उत्तराधिकारी श्याम दास महाराज ने इसकी शिकायत की है। स्टेट बैंक चौराहे मैनेजर की मिली भगत से गबन करने का भी आरोप है। वहीं ये भी कहा गया कि महाराज के तो असली उत्तराधिकारी श्याम दास जी महाराज ही हैं। तो 90 लाख रुपयों के गबन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया गया है, जब साध्वी फरार हो गई है और मिली भगत है। देखिए, बैंक के मिली भगत से ही इस तरह का खेल हो सकता है। राजेश दीक्षित ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या मामला है और अब क्या कुछ कार्रवाई होने की तैयारी? देखिए, अभी जानकारी आई है वो चौराही जो क्षेत्र है वहाँ चांद में नौनी का गांव है, वहाँ पर राम जानकी मंदिर है। वहाँ के जो महाराज महंत श्री 1008 कनक बिहारी दास महाराज जी हैं, वो अभी दो साल पहले एक्सीडेंट में ब्रह्मलीन हो चुके हैं। वो उनकी उनके जो गद्दीदार थे वो गद्दीदार हैं जो श्यामदास जी महाराज अभी बाहर हैं। उन्होंने उनके जो साथी हैं सभी ने उनके जो थाने में शिकायत की है और करीब 90 लाख रुपए उनके खाते से निकाला गया है। और उनकी जो महंत एक और शिष्या है रीना रघुवंशी ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। उन्होंने बैंक मैनेजर से मिलकर, और देखिए राजेश, बैंक मैनेजर या जिससे भी बैंक कर्मचारियों से मिलकर इस तरह की मिली भगत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर बताइए कि जो पैसा था वो उत्तराधिकारी का था या फिर ट्रस्ट का था? वो पैसा ट्रस्ट का पैसा था, ट्रस्ट के खाते में जमा था। लेकिन जो रीना रघुवंशी उत्तराधिकारी बता रही है और उत्तराधिकारी के फर्जी दस्तावेज उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। जी, तो साध्वी ने अंजाम दिया। हालांकि देखना होगा अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो छिंदवाड़ा से अहम खबर सामने आई, जहां लोनी बर्रा जानकी मंदिर के महंत के खाते से 90 लाख रुपए पार हो गए हैं और मैनेजर की मिली भगत इसमें बताया जा रहा है।